लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन तैयार किया है। इंडिया गठबंधन में शामिल सभी विपक्षी पार्टियां लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भी अपना पूरा जोर लगा रही है। वहीं इस गठबंधन में बसपा अभी तक शामिल नहीं हुई है। ऐसे में इंडिया गठबंधन में बसपा के शामिल होने को लेकर लगातार बयान भी दिए जा रहे हैं और कयास भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। अब ऐसे में बीएसपी सांसद और मायावती के करीबी माने जाने वाले मलूक नागर ने कहा कि मायावती को इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए। इसी के साथ एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए मलूक नागर ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सचमुच बीजेपी को हराना चाहता है तो उसे मायावती को इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर पीएम मोदी को रोकना किसी गठबंधन के बूते का नहीं है। मलूक नागर ने कहा कि 13% मायावती का वोट और विपक्ष का 37 से 38% वोट निर्णायक बढ़त दे सकता है, जो यूपी में बीजेपी के 44% से काफी ज्यादा है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा इंडिया गठबंधन द्वारा बनाया जाए। बीएसपी सांसद ने कहा कि बीएसपी अगर साथ आती है तो पूरे देश में उसका वोट परसेंट इंडिया गठबंधन को फायदा पहुँचाएगा और तब बीजेपी को रोका जा सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती इन दिनों दिल्ली में हैं और हाल ही में उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि किसी के बारे में भी गलत और आपत्तिजनक नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं राजनीति में कब किसको किससे काम पड़ जाए। बसपा सुप्रीमो मायावती के इस बयान के बाद से राजनेताओं की निगाहें इस पर लगी हैं कि बसपा अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो बसपा की इंडिया गठबंधन में क्या भूमिका रहेगी। बात अगर बसपा के वोट बैंक की करें तो साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा का खाता तक नहीं खुल सका था, लेकिन पार्टी को तब भी 19.8% वोट मिले थे। सपा को तब 22.5 और कांग्रेस को 7.5% वोट मिले थे। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरे थे। तब बसपा को 19.4% वोट शेयर के साथ 10 और सपा को 18.1% वोट शेयर के साथ 5 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस का वोट शेयर गिरकर 6.4% पहुंच गया था। बसपा का स्थिर वोट बैंक एक बड़ी वजह है, जिसके कारण विपक्ष की कुछ पार्टियां बसपा को गठबंधन में लाने के पक्ष में हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय यूपी उत्तराखंड।